Hello everyone, my name is Anirudh from Adarsh Senior Secondary School Khaisirgarh and this is class 5th. तो आज हम क्लास 5th का चैप्टर 2nd प्लांट प्रोपगेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड का क्या मीनिंग होता है? द चेंज ऑफ ए सीड इनटू ए सीडलिंग न्यू प्लांट इज नोन एज जर्मिनेशन। यानी कि कोई भी जो सीड होता है, कोई जो बीज होता है, ठीक है, किसी भी प्लांट का, उससे एक नया प्लांट जब बनता है तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन ऑफ सीड। यानी कि एक सीड का या एक बीज का एक नए पौधे के रूप में बदलना क्या कहलाता है? जर्मिनेशन। यानी कि हिंदी में इसको हम बोलते हैं अंकुरण। देयर आर सम कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो कोई भी जो बीज है वो अंकुरित होता है यानी कि जर्मिनेट करता है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस जरूरी होती है, कुछ आवश्यक परिस्थितियों का होना जरूरी है। जैसे कि वो आवश्यक परिस्थितियाँ क्या है? एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट आर रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन। यानी कि बीज को अंकुरित होने के लिए पर्याप्त मात्रा में हवा की आवश्यकता होती है, एयर की, जल की आवश्यकता होती है, वाटर, सॉइल यानी कि मिट्टी की आवश्यकता होती है और सनलाइट की। सीड्स विल नॉट बी एबल टू जर्मिनेट इवन इफ वन कंडीशन इज एबसेंट। अब कोई भी जो बीज है, अगर इन चारों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन बीज को नहीं मिलती है तो वो बीज जर्मिनेट नहीं करेगा, यानी कि वो सीड जर्मिनेट नहीं होता है। देयरफॉर ऑल द कंडीशंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर सीड्स टू जर्मिनेट। तो इसीलिए ये सभी कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है, सभी परिस्थितियों का होना बहुत ज़रूरी है, हवा का, पानी का, मिट्टी का और सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश का होना जरूरी है ताकि जो सीड है वो अच्छे से जर्मिनेट कर सके। वेन ऑल द सुटेबल कंडीशंस आर प्रेजेंट, जब ये सारी परिस्थितियाँ प्रेजेंट होती है, सीड स्टार्ट जर्मिनेटिंग, तब जो बीज है वो अंकुरित होना शुरू होता है, यानी कि जो सीड है वो जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। इट्स स्प्राउट्स एंड टिनी रूट्स कम आउट फ्रॉम द सॉफ्ट सीड कोट। अब पिछले वीडियो के अंदर हमने किया था कि सीड कोट क्या होता है, जो बीज होता है यानी कि जो सीड होता है उसके ऊपर का जो हार्ड कवर होता है यानी कि जो सख्त कवरिंग होती है, ठीक है, उसी को हम सीड कोट कहते हैं। तो जब बीज को सभी परिस्थितियां सही मिलती हैं यानी कि हवा, पानी, मिट्टी और सनलाइट मिलती है, तो जो बीज है वो उगना शुरू हो जाता है। फिर उससे नई जो रूट्स हैं यानी कि जो नई जड़ें हैं वो निकलनी शुरू हो जाती है। आफ्टर दैट शूट आल्सो ग्रोज एंड प्रोड्यूस स्टेम एंड लीव्स। उसके बाद जो स्टेम है वो थोड़ा ग्रो करेगी, ठीक है, और उससे फिर आगे और नई स्टेम्स बननी शुरू हो जाती है, नए पत्ते बनने शुरू हो जाते हैं। रूट्स, रूट ग्रोज डाउनवर्ड अंडर द ग्राउंड एंड शूट अपवर्ड टुवर्ड सनलाइट। अब जो रूट्स हैं, पौधे की जड़ें होती हैं, वो नीचे मिट्टी की अंदर नीचे की तरफ वृद्धि करना शुरू करती हैं, यानी कि नीचे की तरफ ग्रोथ करती हैं, और जो शूट होती है यानी कि जो तना होता है ऊपर का, वो ऊपर की तरफ सनलाइट की तरफ ग्रोथ करना शुरू कर देता है। द सीडलिंग्स ग्रोज फुल्ली एंड डेवलप्स इनटू ए प्लांट। और इस तरह से जो छोटा पौधा होता है, न्यू प्लांट होता है, ठीक है, वो एक पौधे के रूप में, एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। तो आप यहाँ पे डायग्रामेटिकली इसको देख सकते हैं, जैसा कि डायग्राम्स के अंदर दिखाया हुआ है कि एक बीज को सॉइल के अंदर रखा गया है, ठीक है, उसको प्रॉपर एयर मिल रही है, वाटर मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है, ठीक है, उसके बाद ये जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। और द सीड स्प्राउट्स एंड सीडलिंग अपीयर्स आफ्टर सम टाइम, उसके बाद उसमें से एक छोटा सा नया पौधा विकसित होना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसके बाद शूट और रूट डेवलप हो जाती है यानी कि ऊपर का छोटा तना और नीचे जड़ें विकसित होना शुरू हो जाती है, उसके बाद फाइनली एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है, ठीक है, नए पत्ते वगैरह इसके ऊपर आ जाते हैं, तो ये एक नया बेबी प्लांट तैयार हो जाता है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, यानी कि बीजों का बिखराव। डिस्पर्जल ऑफ सीड इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स। अब जो बीजों का बिखराव है वो क्यों जरूरी है? ताकि जो नए पौधे हैं उनकी प्रोडक्शन की जा सके, यानी कि जो नए पौधे हैं वो और अधिक बन सकें। नाउ व्हाट इज़ द नीड ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। अब बीजों के बिखराव की क्यों आवश्यकता है, क्यों ज़रूरत होती है, क्यों बीज एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचे, ये ज़रूरी होता है। डिस्पर्जल ऑफ सीड इज नेसेसरी सो दैट एवरी सीड ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट्स गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट, वाटर, एयर एटसेट्रा। डिस्पर्जल ऑफ सीड इसलिए ज़रूरी है, ठीक है, ताकि जो जो भी नया पौधा बने उसको प्रॉपर सनलाइट मिले, वाटर मिले, एयर मिले, ठीक है, यानी कि हवा, पानी, जो सूर्य का प्रकाश है वो उनको अच्छी तरीके से मिल सके।
इफ ऑल प्लांट्स ग्रो नियर द पेरेंट प्लांट दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, यानी कि जिस पौधे से बीज तैयार होंगे और अगर वो बीज उसी पौधे के पास उगने शुरू हो जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे पौधे हो जाएंगे, तो सभी को ना तो प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, ना प्रॉपर एयर मिलेगी, ना वाटर मिलेगा, ठीक है, तो जिससे वो पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे, एज दे वुड नॉट गेट इनाफ फूड स्पेस वाटर एट्सेट्रा टू ग्रो, क्योंकि उन सभी को जल हवा पानी जगह ये सब अच्छी तरीके से नहीं मिलेगी जिससे वो ग्रोथ नहीं कर सकेंगे। बट प्लांट्स आर स्टेशनरी एंड रिमेंस फिक्स्ड टू द ग्राउंड, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं यानी कि स्थिर होते हैं, वो जहाँ पे उगते हैं वहीं पे रहते हैं और ग्राउंड के अंदर वो फिक्स होते हैं यानी कि वो मिट्टी के अंदर फिक्स होते हैं। देन हाउ डू सीड्स स्कैटर, तो फिर जो बीज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँच जाते हैं, कैसे बीजों का बिखराव हो जाता है। देर आर सम एजेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, तो यहाँ पे कुछ एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। दे ट्रांसफर सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उनका काम यही होता है एजेंट्स का कि वो एक पौधे के जो बीज हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दें। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग सीड्स अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द डिफरेंट एजेंट्स इज नोन एज डिस्पर्सल, तो डिस्पर्सल क्या होता है, डिस्पर्सल का मतलब यही होता है कि किसी भी एजेंट के द्वारा थ्रो या द्वारा, ठीक है, जो बीज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाएं, तो यही जो प्रक्रिया है यही जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, डिस्पर्जल ऑफ सीड यानी कि बीजों का बिखराव। तो कल के जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे एजेंट्स ऑफ सीड्स डिस्पर्जल, ठीक है, यानी कि जो बीजों के बिखराव में कौन कौन से एजेंट्स हैं जो वर्क करते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर हम पढ़ेंगे बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स और साथ में हम करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स यानी कि जो फसलें होती है वो कितनी तरह की होती हैं और कब उनको बोया जाता है, कब उनको काटा जाता है, ठीक है, और उन फसलों के नाम क्या क्या हैं जो अलग अलग सीजन में बोई जाती हैं, तो उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।